सदी के सबसे बड़े स्पोर्ट्समैन मोहम्मद अली ने कहा था दैट एक्सपेक्ट द बेस्ट बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, यानी अच्छे की उम्मीद कीजिए लेकिन बुरे के लिए तैयार भी रहिए। ये तस्वीर देखिए, इसमें 90s की सुपरस्टार आज के जमाने की रूलिंग क्वीन से क्या कह रही होंगी, ऑफ कोर्स यही दैट कीप वॉकिंग डोंट गेट टायर्ड। मैं हूं आतिका, सिनेबस की शुरुआत करते हैं बॉलीवुड अपडेट से। क्रिकेट लेजेंड MS धोनी की जिंदगी और करियर पर बनी फिल्म MS धोनी का ट्रेलर लॉन्च हुआ। हमको भी एक चांस दीजिए ना सर। रहमान और सलीम मर्चेंट ने क्योंकि नाम का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसमें वो यूट्यूब के सिंगिंग सेंसेशंस और म्यूजिक कंपोजर्स को एक मंच पे ला सकेंगे। स्वच्छ भारत कैंपेन के तहत बनाए गए एक एड में कंगना रनावत देवी लक्ष्मी के रूप में नजर आ रही हैं। सलमान खान की फिल्म फ्रीकी अली का ट्रेलर लॉन्च हुआ जिसमे अरबाज खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी कॉमिक कैरेक्टर्स में नजर आ रहे हैं। ये सिंगानिया के बच्चे अच्छे तो होंगे नहीं, तुझे कैसे पता? इतनी देर से एक बॉल को खड्डे में तो डाल नहीं पा रही है। तुम्हें क्या आसान लगता है? ये तो सीरियस हो गया। ये है क्लब, ये है बॉल, वो है होल। तूने ये कैसे किया? पता लगते ही बताता हूँ। सेक्स मन तो है करने का लेकिन आईने का शादी से पहले नहीं। क्या करने का है? छक्का मारना है झंडे पर। अमिताभ बच्चन की फिल्म पिंक का फर्स्ट लुक जारी हुआ। ये कोर्टरूम ड्रामा है और फिल्म 16th दिसंबर को रिलीज होगी। Are you a virgin, Miss Arora? हाँ या ना में जवाब दीजिए। Don't shake your head. नहीं, मैं जाना ही नहीं चाहिए था वहाँ पे। कट काफी डीप था। अब तेरा कांड होगा। I'm bored, you coward. So stop talking and come and show me what you can do. Let's go. उस रात राजवीर के संग ऐसा क्या हुआ? किसको अच्छा लगता है सर? कोई इस तरीके से छुए जबरदस्ती? यू आर अ वुमन ऑफ क्वेश्चनेबल कैरेक्टर। रणवीर सिंह रोहित शेट्टी की अगली फिल्म में एक नए अवतार में नजर आ रहे हैं। इसमें वो चाइनीज वॉरियर बने हैं। देवगन अपनी फिल्म यू मी और हम के रिलीज होने के 8 साल बाद एक बार फिर से निर्देशन कर रहे हैं और उनकी फिल्म शिवाय बहुत जल्द रिलीज होगी। उसकी पहली झलक सिर्फ सिने बज में। फिल्म में सायरा बानो जी की नतनी यानी कि ग्रैंड डॉटर भी डेब्यू कर रही है। वही शून्य है, वही गाय जिसके भीतर बसा शिवाय। फिल्म रुस्तम का रिव्यू। फिल्म रुस्तम 1959 में बॉम्बे में रहने वाले एक नेवल ऑफिसर KM नानावती की कहानी है जिसने अपने बीवी के बॉयफ्रेंड का मर्डर कर दिया था। ये धोखे का बदला था या फिर किसी और इरादे से किया हुआ कत्ल?
रुस्तम पावरी चोट खाया पति है या देश के हित के लिए कुछ भी कर देने वाला एक ऑफिसर, ये दो ट्रैक्स इस फिल्म को एक थ्रिलिंग कोर्टरूम ड्रामा बनाते हैं। फिल्म क्योंकि एक मर्डर के इर्द गिर्द घूमती है, इसलिए इसके सारे कानूनी दांव पेच एकदम सटीक होने चाहिए थे, जो कहीं कहीं नहीं है। फिल्म में 50 साल पहले का बॉम्बे दिखाया गया है, लेकिन इतनी बड़ी बजट की फिल्म में ये काम और बेहतर हो सकता था। अक्षय कुमार का नेवल ऑफिसर वाला अंदाज, यूनिफॉर्म में उनका बेहतरीन लुक और कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस इसे देखने लायक फिल्म बनाते हैं। साथ ही एक ऑफिसर का अपनी बीवी की गलती को माफ कर देना इस फिल्म को दूसरी फिल्मों से अलग करता है। रिश्ते सिनेप्लेक्स रुस्तम को देता है 3 थम्स अप। और अब आशुतोष ग्वारिकर की फिल्म मोहनजोदड़ो का रिव्यू। फिल्म के शुरू होने के बाद से ही व्यूअर इस फिल्म का कंपैरिजन आशुतोष और ऋतिक रोशन की ही एक दूसरी फिल्म जोधा अकबर से करने लगता है। मुट्ठी अब तक खुली हुई थी, उसे बंद करने का समय आ गया है। ये एक लव स्टोरी है जिसमें ऋतिक रोशन का काम बेहतरीन है, मगर फिल्म के बाकी पहलू कमजोर पड़ते हैं। फिल्म में कुछ बहुत अच्छे विजुअल इफेक्ट्स हैं और कैमरा वर्क है, मगर फिल्म की कहानी फिल्म के बहुत बड़े सब्जेक्ट के साथ इंसाफ नहीं कर पाती। रिश्ते सिनेप्लेक्स मोहनजोदड़ो को देता है 2.5 थम्स अप। मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने सत्यमेव जयते में औरतों की बराबरी की बहुत सारी बातें की थी, लेकिन कुछ दिलचस्प करके भी दिखाया। अपने बेटे आजाद के नाम में उन्होंने उसकी माँ का नाम ऐड करवाया, आजाद राव खान। दैट इज इट, बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। सी यू नेक्स्ट वीक, गुड बाय।